सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। क्या कश्मीर को लेकर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नीति में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है? क्या अब कश्मीर पर बातचीत का मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बातचीत होगी? क्या पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर होने वाली किसी भी वार्ता का मतलब POK पर बातचीत? लगता यही है। हाल ही में मोदी सरकार के दो मंत्रियों के बयान पर अब गौर करें तो बहुत हद तक सरकार की रणनीति समझ में आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान से अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बातचीत होगी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कराने की अब लड़ाई होगी या उसका अभियान छेड़ा जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि यह हमारे जीवन में ही संभव हो जाए। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो मोदी सरकार है उसने कश्मीर को लेकर के जो अपना रवैया अख्तियार किया है या अपनी नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर या मंच पर कश्मीर मामले को समझने या कश्मीर मामले पर बातचीत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए गोवा एक अच्छा उदाहरण है हिंदुस्तान के लिए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, वो एक पुर्तगाली उपनिवेश के तौर पर काम करता रहा, लेकिन हिंदुस्तान के दायरे में, हिंदुस्तान की सरहद के भीतर गोवा का किसी दूसरे देश के कब्जे में होना हिंदुस्तान के लिए खतरनाक था। हिंदुस्तान की सुरक्षा और उसकी प्रभुसत्ता दोनों के लिए यह खतरा था। इसलिए दिसंबर 1961 में भारत की सेना ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन विजय, और इस ऑपरेशन विजय का मकसद था गोवा को हिंदुस्तान में शामिल करना। लेकिन भारत की सरकार ने जैसे ही फैसला किया और सेना गोवा की तरफ बढ़ी, संयुक्त राष्ट्र में हलचल बढ़ गई। पश्चिमी देशों ने पुर्तगाल के पक्ष में, यानी कि पुर्तगाली शासन था गोवा में, लामबंद हो गए, और सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया भारत के खिलाफ और कहा यह गया कि तुरंत इस ऑपरेशन को रोका जाए, शांति बहाल की जाए। इसी वक्त में रूस काम आया, एक बहुत ही भरोसेमंद और मजबूत मित्र। रूस ने सुरक्षा परिषद में वीटो ला दिया और उस वीटो के चलते वह प्रस्ताव रुक गया, और इसी दौरान भारत की फौज ने गोवा पर कब्जा कर लिया। 36 घंटे की लड़ाई, ऑपरेशन विजय कामयाब रही और गोवा 1961 दिसंबर में भारत का हिस्सा बन गया। इस तरह के मामले दुनिया में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा उस रास्ते को अख्तियार किया है जो संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियम दोनों के तहत वाजिब हो। गोवा जिस तरीके से हिंदुस्तान का हिस्सा बना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी भारत का वैसा ही हक बनता है। इसके लिए आपको उस समझौते की तरफ चलना चाहता हूँ जो राजा हरि सिंह और भारत की सरकार के बीच में 1947 में हुआ, जब पाकिस्तानी कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। क्योंकि 1947 के दिन, 15 अगस्त के दिन, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तय किया था कि ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ रहेंगे, वो अलग रहेंगे। लेकिन आज़ाद होने के एक महीने के बाद पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को उस समय संदेशा भेजा कि अब आपकी ज़रूरत है, सेना भेजिए, मदद भेजिए, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। भारत की फौज गई। राजा हरि सिंह और भारत की सरकार के बीच में समझौता हुआ। राजा हरि सिंह ने जो समझौता किया वो ये किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, और जम्मू कश्मीर का मतलब वो था समूचा जम्मू कश्मीर जिसमें भारत आज जिसमें ना सिर्फ भारत का राज्य जम्मू कश्मीर आता है, बल्कि पाकिस्तान ने तब तक जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसको POK कहते हैं वह भी आता है, और चीन ने, अक्साई चीन जिसको कहते हैं, जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध के बाद, वो भी राजा हरि सिंह के साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि पूरा इलाका वो हिस्सा था जिस हिस्से को भारत के साथ मिलाने के लिए राजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार के साथ समझौता किया था।
आप माने तो 1947 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने वो काम किया जो गलत था। जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो उस संधि या समझौते के विरुद्ध है जो राजा हरि सिंह ने अपने साम्राज्य और भारत के साथ किया था। राजा हरि सिंह के साम्राज्य का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भारत की नैतिक और संवैधानिक दायित्व या उसकी जिम्मेदारी के तहत आता है कि वो भारत के तहत लाया जाए, भारत की सरहद के भीतर लाया जाए। इसलिए भारत की सरकार की नीति जो नई होती दिख रही है कश्मीर को लेकर के, वो दुरुस्त है, वाजिब है और उस समझौते को कहीं ना कहीं तरजीह देती है, महत्व देती है जो राजा हरि सिंह और भारत की सरकार के दौरान 1947 में हुआ था। इसलिए अब POK को हासिल करने की नीति रणनीति हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की फौज अख्तियार करती है तो यह रास्ता थोड़ा मुश्किल और चुनौती भरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव कैसे नहीं है, इसकी एक सूरत बनती हुई से दिख रही है या इसकी एक संभावना दिखती है। जम्मू कश्मीर जो अब है भारत सरकार का या भारत का सामान्य राज्य, जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, अगर इन दोनों हिस्सों में शासन, प्रशासन, विकास और लोगों की बेहतरी की संभावनाएं आने वाले वक्त में दुरुस्त होती हैं और एक उदाहरण बनता है जम्मू कश्मीर, इस फैसले के ज़रिए वहाँ की सूरत, वहाँ की तकदीर तस्वीर बदलने का, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले हिस्से और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और वहाँ बदलाव के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे या पहल करे और फिर यह दावा मजबूत होता है कि वो हिस्सा जो भारत का था लेकिन पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा था उस हिस्से को भी भारत के अंदर होना चाहिए और वहाँ के लोग भी भारत के नागरिक हैं, उनकी भी बेहतरी इसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर में बाकी लोगों की हुई है होनी चाहिए। और इस तरक्की के नाम पर, बेहतर दिनों के नाम पर, अच्छे शासन प्रशासन के नाम पर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर पर भारत का दावा मजबूत होगा और फिर वहाँ के लोगों की सहमति भी भारत के साथ होगी और पाकिस्तान कमज़ोर होगा। ऐसी स्थिति में यह जो भारत का सपना है समूचे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का, वो पूरा हो सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।